हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुधांशु एंड वेलकम टू क्लास टेन। आज हम टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं वो है डीएफटी, डिज़ाइन फॉर टेस्टेबिलिटी। मतलब हम क्या करेंगे, हम एक सर्किट को, जो हमें सर्किट गिवन होगा उसको हम ऐसे डिज़ाइन करेंगे ताकि उसकी जो टेस्टेबिलिटी हो, जो टेस्ट करने का तरीका हो, वो हम ईजी कर सकें, है ना। मतलब कि हम पे कई तरह से कॉम्प्लेक्स सर्किट गिवन होते हैं, हमें उन पर टेस्ट वेक्टर्स निकालना होता है। तो हम क्या करते हैं, उन सर्किट को ऐसे डिज़ाइन करते हैं ताकि उसका जो टेस्ट पैटर्न है वो इजी वे से निकल सके, ठीक है। तो यही चीज़ें हम डीएफटी में करते हैं। तो डीएफटी के कुछ टाइप्स हैं, हमारे डीएफटी के दो टाइप्स हैं, एक है एडहॉक टेक्निक्स और एक है स्ट्रक्चर टेक्निक्स। तो सबसे पहले टेक्निक्स के बारे में जानते हैं कि एडहॉक टेक्निक्स क्या होता है। एडहॉक टेक्निक्स में एक कहें तो एक डिसएडवांटेज होता है, जैसे कि ये एडहॉक टेक्निक्स बस उन्हीं के लिए यूज़ किया जा सकता है एक स्पेसिफिक डिज़ाइन के लिए, ठीक है। यानी इसका एक स्पेसिफिक डिज़ाइन होता है, इसको सिर्फ उसी के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। यानी जो हमारे पास वेरियस टाइप के जो सर्किट्स हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ डिज़ाइंस हैं, हम उनके लिए एडहॉक टेक्निक को यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये एक बेस्ड ऑन स्पेसिफिक डिज़ाइन पर है, ठीक है। लेकिन स्ट्रक्चर टेक्निक को हम हर डिज़ाइन पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इसके लिए कोई स्पेसिफिक डिज़ाइन नहीं है। तो एडहॉक टेक्निक को यूज़ जब हम करते हैं तो हमारे पास इसके भी दो टाइप्स हैं। एक है आपका टू प्रोवाइड मोर टेस्ट एंड कंट्रोल फेज। हम क्या करते हैं, मोर टेस्ट कंट्रोल पिंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं एग्जांपल की बात करूँ, मेरे पास एक सर्किट है, हम ये एक सर्किट एग्जांपल लेके चल रहे हैं, जैसे मेरे पास ये दो एंड गेट एंड एक और गेट है, ठीक है। इसकी दो इनपुट, इसकी भी दो इनपुट, इसकी भी दो इनपुट। तो हमने देखो इस सर्किट में क्या किया, हम ये मान के चल रहे हैं कि एक स्पेसिफिक डिज़ाइन है और इस स्पेसिफिक डिज़ाइन पर ही एडहॉक टेक्निक वर्क करे। तो हम क्या कर रहे हैं, इसका पहला वाला जो प्रोसेस है वो कर रहे हैं, प्रोवाइड मोर टेस्ट एंड कंट्रोल पीस। मतलब हम क्या करेंगे, मोर टेस्ट प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि अभी हमारे पास कौन से टेस्ट हो सकते हैं, ए बी सी और डी। हम क्या कर सकते हैं, इन इनपुट्स को, जैसे कि भी कहीं फॉल्ट है, हम कंसिडर करते हैं यहाँ पे हमारा फॉल्ट है जेड, ठीक है, इस जेड पे कोई फॉल्ट है। तो हम क्या कर सकते हैं, इन इनपुट्स पैटर्न को वेरीज करके, डिफरेंट टाइप्स के इनपुट प्रोवाइड करके हम इसको जनरेट कर सकते हैं, इसके आउटपुट को, यानी आप जहाँ पे फॉल्ट है उसको हम जनरेट कर सकते हैं। लेकिन हम इसमें क्या करते हैं, मोर टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। मोर टेस्ट का मतलब क्या है, अगर यहाँ पे फॉल्ट है तब यहाँ से भी एक इंटरकनेक्शन लेके और उसको भी एक इनपुट प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। इसको हमने नेम दे दिया ई। तो अब देखो हमारे पास क्या हो गया, मोर नंबर ऑफ इनपुट्स हो गए, है ना। अब हम इनको यूज करके हम आउटपुट जनरेट करेंगे, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया पहला स्टेप, हम क्या करते हैं, मोर टेस्ट प्रोवाइड करते हैं कंट्रोल पिन से, ठीक है। मोर टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, हमने क्या किया, जहां पे भी फॉल्ट था उसको भी साथ में लेके एक एक्सटर्नल पॉइंट बना लिया। अब उसके थ्रू हम क्या करेंगे, इस फॉल्ट को चेक करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक टेक्निक था, प्रोवाइड मोर टेस्ट एंड कंट्रोल पिन, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, पहले हमारे पास चार थे, अब हमारे पास पांच, ठीक है। तो मोर टेस्ट आ गए हमारे पास, ठीक है। चलो दूसरा चलते हैं, दूसरे में क्या है, इंसर्ट मल्टीप्लेक्सर, ये दूसरा टाइप है। हम क्या करेंगे, हम सर्किट में वही सर्किट जो स्पेसिफिक डिजाइन पे है बेस्ड होगा, उसी सर्किट के आउटपुट में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लेक्सर लगा। मल्टीप्लेक्सर लगाने से क्या होगा, मल्टीप्लेक्सर क्या करेगा, जो भी इनपुट होगा उसको एक आउटपुट में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। मतलब कि जैसे अभी मैंने जो सर्किट ड्रॉ किया था, जैसे कि ये एक एंड, दो एंड गेट थे, एक और गेट था, ठीक है, इसके दो इनपुट, इसके भी दो इनपुट, और यहाँ पे फॉल्ट था, है ना। तो हमने इसमें क्या करना है, हम क्या करेंगे, इसके आउटपुट में मल्टीप्लेक्सर लगा देंगे, ठीक है। हमने क्या किया, इसके आउटपुट में मक्स लगा दिया, मक्स मतलब मल्टीप्लेक्सर, ठीक है। हमने उस पिछले वाले टेस्ट में क्या किया था, इसी को हमने एक्सटर्नल पिन ले लिया था, लेकिन अब इसमें हम क्या करेंगे, इसी पिन को यहाँ से हटा के इसको यहाँ ऐड कर देंगे, ठीक है। और एक पिन और ले लेंगे कंट्रोल टेस्ट के लिए, हम यहाँ, ठीक है, और इसकी एक आउटपुट। यानी अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम इसमें अब मल्टीप्लेक्सर लगा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे स्टेटमेंट्स में गिवन है, इंसर्ट मल्टीप्लेक्सर इन ऑर्डर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स। हमने मल्टीप्लेक्सर लगा दिया और इंटरनल नोड्स को इंक्रीज कर लिया, है ना। हमारे पास फोर थे पहले, इसको भी साथ में ले लिया ताकि मल्टीप्लेक्सर की भी जो इनपुट्स को हम वेरीज कर सके,
उसकी इनपुट्स को एनालाइज करने पे जो आउटपुट आएगा उसको हम जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, इंटरनल नोड्स को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। दैट कैन बी कंट्रोल फ्रॉम द एक्सटर्नल नोड्स। अब उसको हम किससे कंट्रोल कर सकते हैं, मल्टीप्लेक्सर को, इस एक्सटर्नल नोड से हम उसको कंट्रोल कर सकते, ठीक है। तो ये भी कोई, ये भी इसका दूसरा पार्ट था एडॉप टेक्निक का, ठीक है। तो इसके दो प्रोसेस थे, एक तो था कि प्रोवाइड मोर टेस्ट कर दो कि जहाँ पे फॉल्ट है वहाँ के पिन को निकाल के और उसको आप अपने इंटरनल पॉइंट्स के साथ कनेक्ट कर दो, और दूसरा ये है कि आप क्या करो उसके आउटपुट पे ही मल्टीप्लेक्सर लगा दो और जहाँ पे भी आपका फॉल्ट है उसको उठा के भी मल्टीप्लेक्सर में लगा दो और एक मल्टीप्लेक्सर से नोट लेके एक्सटर्नल में ले लो। उससे क्या होगा कि आपके पास मोर नंबर ऑफ टेस्ट आ जाएंगे टर्मिनल्स, जिससे कि आप मल्टीप्लेक्सर को भी कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, जिससे कि जो हमारा आउटपुट है वो जनरेट हो सके, ठीक है। तो ये दो पॉइंट्स थे इसके एड हॉक टेक्निक्स के, जिसको हम यूज करके जो टेस्ट है हमारा वो सर्किट का कर सकते, ठीक है। तो हम बेसिकली जो एड हॉक टेक्निक को यूज नहीं करते क्योंकि ये स्पेसिफिक डिजाइन पे ही बिल्ड होता है, ठीक है। अब हम जो बेसिकली हम जो ज्यादा करते हैं वो हम करते हैं स्ट्रक्चर टेक्निक। अब देखो स्ट्रक्चर टेक्निक क्या होता है, इसमें ये कोई हर डिजाइन के लिए यूज होता है, इसके लिए कोई स्पेसिफिक डिजाइन नहीं है, ठीक है। तो इसको हम जब भी यूज करते हैं तो ये कुछ प्रोसेस है इसके, इस प्रोसेस को हम फॉलो करते हैं। जैसे कि हम इसको अगर हम स्ट्रक्चर टेक्निक यूज कर रहे हैं तो हम क्या यूज करेंगे, बेस्ट यूज करेंगे। बेस्ट क्या होता है हमारा, बिल्डिंग सेल्फ टेस्ट, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी हमको सर्किट गिवन होगा उसका हम टेस्ट पैटर्न निकालेंगे, और इसके भी टाइप्स हैं, टेस्ट पैटर्न निकाल लेंगे, ठीक है, टेस्ट पैटर्न निकालेंगे। उसके बाद हम करेंगे सर्किट अंडर टेस्ट, ठीक है, हम टेस्ट करेंगे उसके, जो भी हमारा टेस्ट वेक्टर आया उसको टेस्ट करेंगे, उसके बाद आउटपुट एनालाइज करेंगे, फिर उसके बाद हम उसके आउटपुट को देखेंगे जो हमारा टेस्ट पैटर्न आया। यानी हम इस स्ट्रक्चर टेक्निक में क्या करते हैं, जो भी हमें सर्किट गिवन है हम सबसे पहले उसका टेस्ट वेक्टर निकालते हैं, जो भी टेस्ट वेक्टर निकला है उससे हम फिर चेक करते हैं कि जो हमारा आउटपुट है वो सही आ रहा है या नहीं, फिर उसके बाद हम उसका आउटपुट एनालाइज करते हैं, हम उसके आउटपुट को एनालाइज करते हैं जो हमने टेस्ट वेक्टर निकाला, ठीक है। तो ये तीनों हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, टेस्ट पैटर्न जनरेटर, सर्किट जनरेटर, टेस्ट और आउटपुट एनालाइजर, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या देखा, एड हॉक टेक्निक के बारे में, उसके दो टाइप्स थे उसके बारे में देखा। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे स्ट्रक्चर टेक्निक के बारे में, इनके जो प्रोसेस है टेस्ट पैटर्न, सर्किट जनरेटर और आउटपुट एनालाइजर, ये हम एक एक करके हम इसको समझेंगे।